किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों आज का विषय है बीज उपचार। बीज उपचार क्यों करते हैं और क्या ये आवश्यक है, इस पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार करते हैं इस पर चर्चा। किसान भाइयों जो मेरा एक अमरूद का बाग है जो मैंने 25 जून को लगाया था, 2019 को लगाया था, उसमें 240 पेड़, उसके दो हिस्सों में, उस खेत के मैंने दो हिस्से किए हैं और उसमें आधे हिस्से में लगभग 2 बीघा में मैंने मेथी बोने का, जो खाने वाली मेथी है उसको बोने का निश्चय किया है और आधे में चने बोने का निश्चय किया है, जिससे कि मैं साग वगैरह को काट कर और बाजार में बेच सकूं। किसान भाइयों जब मैंने ये सोचा तो मैंने इस बार के बीज उपचारित कैसे करते हैं ये देखा और इसको अपनाने का निश्चय किया। इसके लिए मैं लाया ट्राइकोडर्मा विरिड, जो लिक्विड फॉर्म में है, स्टेन्स कंपनी का मैं लाया, और इसकी मात्रा रखी जाती है, अगर आपका बीज 1 किलो है तो आपको 5 ml यानी 5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर को उतने पानी में डालिए जितने में वो आपका 1 किलो भीग जाए। ये इसको 15 मिनट भिगोना होता है और 15 मिनट भिगोने के बाद इसको निकाल कर लगभग 15 मिनट आप छाया में रखें। जब छाया में रखेंगे तो इसको थोड़ा सूख जाएगा और फिर आज की किसी बुआई कर। किसान भाइयों इसके 2 फायदे, पहला फायदा ये होगा कि बीज का अंकुरण बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि थोड़ा भीग गया है और उसमें अंकुरण होने के ज्यादा चांस। दूसरा फायदा यह होगा कि आपके बीज में कोई भी फंगस नहीं है। मैंने मेथी और चने दोनों को बीज उपचारित किया है, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार मैंने इनको उपचारित किया और किस प्रकार इनकी बुआई की। ये चना खरीदा है जो हम इंटरक्रॉप के रूप में बोएंगे। जो वैरायटी जैन साहब ने बताई थी वो मुझे हमारे यहाँ नहीं मिली, तो मैंने ये चना लिया है, क्योंकि मैं इसे मुख्यतः साग के रूप में ही प्रयोग करूँगा। और ये देखिए, इसको मैं अब सीड ट्रीटमेंट्स कर रहा हूँ 15 मिनट के लिए। मैं इसको, ये स्टेन्स का बायो क्योर है, ये आप ध्यान से देखिए, ये ट्राइकोडर्मा विरिड है और इसको आपको 15 मिनट के लिए ध्यान से देखिए उतने पानी में भिगोना है कि ये बस जस्ट डूब जाए। 15 मिनट के बाद, 15 से 20 मिनट के बाद इसको इतनी ही देर इससे निकाल कर छाया में सुखा देना और उसके बाद इसको बो देना है। इसे कहते हैं उपचारित करना। इससे क्या होगा कि चने में कोई भी फंगस आदि नहीं आएगी। तो अभी हमने इसको भिगोया है और 15 मिनट बाद फिर देखते हैं। इसमें इतना पानी डालना है, उस पानी में ये जो 30 किलोग्राम चना है तो 5 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से ट्रीटमेंट करना होता है। तो मैंने 150 ml ट्राइकोडर्मा विरिड का इसमें मिलाया है। अब हम इसको इस प्रकार निकालकर 15 मिनट के लिए छाया में सुखा लेंगे। ये देखिए, छाव में सूखते हुए, अब इसको 15 मिनट हम छाव में रखेंगे चने को। ये देखिए, इसके बाद हम इसे बुआई करेंगे। ये देखें, चना तैयार हो गया है बोने के लिए। अब इसे हम बखेर कर बोएंगे और फिर टीलर से इसको बुआई कर देंगे। ये हमने मेथी उपचारित कर दी है, 20 किलो मेथी बो रहे हैं हम, जिसमें हमने 100 ml ट्राइकोडर्मा विरिड मिला दिया है और इसको जस्ट अब हम 15 मिनट रखेंगे। पंद्रह मिनट बाद
अब हम इसको निकाल रहे हैं। अब इसको हम 15 मिनट के लिए छाया में सुखाएंगे और रख दिए हमने। अब ये मेथी का बीज उपचारित होने के बाद बोने के लिए तैयार है, जिसे देखिए खेत में बुवाई की जा रही है। ये हमने एक बार बुहाई करा दी इसमें, और मेड़े से देखिए इस प्रकार से, और उसके बाद हमने ये बीज बखेर रहे हैं मेथी का। खेत में नमी काफ़ी है, और इसके बाद एक बार फिर हल्का सा, बहुत हल्का टीलर लगाकर पाटा लगा देंगे। तो इतने पोर्शन में देखिए ये बुहाई कर दी है हमने, और अब इसको बीज डालेंगे इसमें मेथी का, और फिर हल्का सा टीलर लगाकर उसके पीछे पाटा बांध देंगे। ये देखिए ये देखिए मैं चना दिखाता हूँ आपको। ये जैसे इसमें है अभी निकला है, ये चना बोया हुआ है। ये देखिए तो इसमें दो बार ट्रैक्टर निकल जाएगा टीलर से ये पाटा लगाकर। देखते हैं, एक्सपेरिमेंट है मेरे पास, न ट्रैक्टर है, सब चीज़ किराए का है, न कोई चीज़ है, ट्रैक्टर नहीं है, छोटा टीलर है, वो अभी इतना काम नहीं कर सकता। देखते हैं कैसी फसल होती है। देखिए कितना बीज पड़ा हुआ है चने का बीज, किसम नहीं। तो किसान भाइयों, ये था आज का मेथी और चने का बीज उपचार। जो किसान जैविक खेती करते हैं उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। ये किसी भी प्रकार की फंगस से आपके बीज को बचाएगा, अंकुरण अच्छी तरह होगा। जब इसका अंकुरण हो जाएगा तो मैं आपको इसको दिखाऊंगा। अब आज से ठीक 10 दिन बाद मैं आपसे फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा, और ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार 10 दिन बाद जो अंकुरण हुआ है और जो जमा हुआ है वो कितना हुआ है, और पौधे किस प्रकार। जिस खेत में मैंने ये बोया है वो पूरी तरह जैविक है, उसमें जैविक ही अमरूद है, और मैंने अभी तक किसी भी रसायन का या किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया, और मैं ये दोनों चीज़ें जैविक ही उगा कोशिश करता हूँ। देखते हैं क्या होगा। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।